समान नागरिक संहिता की पहल और सख्त नकल विरोधी कानून जैसे तमाम महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर देश भर में चर्चा के केंद्र में आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा नेतृत्व इस लोकसभा चुनाव में भरपूर उपयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री अगले एक सप्ताह तक बंगाल, दिल्ली, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक के बाद एक चुनावी रैलियां संबोधित करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रथम चरण में संपन्न होने के बाद भाजपा नेतृत्व ने उन्हें अन्य राज्यों के मोर्चों पर लगाया हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आने वाले दिनों में भी पार्टी अन्य राज्यों में चुनावी दौरों के लिए जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक के बाद एक कड़े फैसले लिए हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। और पुष्कर सिंह धामी जी ने बीते जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किए हैं, उसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। स्वयं कुछ भी आता है, चाहे समान नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे नकल अध्यादेश का विषय हो, जबरन जो भू अधिग्रहण अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने का विषय हो, एक क्रांतिकारी कदम ही है। और इससे प्रेरित होकर देश भर के अनेकों राज्यों के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं, अनेकों लोकसभाओं के